ट्राइंगल दिया हुआ है हमें एबीसी, और वो जो ट्राइंगल है वो बी पर 90 है। बाकी के नाम हम ए और सी कहीं भी दे सकते हैं। ए बी दिया हुआ है 24, बी सी दिया हुआ है 7। तो स्टूडेंट ये वाली एक्सरसाइज में हमें साइड तीनों फाइंड कर लेनी है, तो दो तो दी हुई है, तो तीसरी साइड हमें कहाँ से मिलेगी? पाइथागोरस फॉर्मूला से। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर करेंगे तो वो होगा 576, और 7 का स्क्वायर होगा 49, इनका प्लस होगा 625, और उसका रूट निकालेंगे तो रूट हमें मिलेगा 25, मतलब हमें एसी मिल गया 25। हर एक सम में आपको पहले काम ये करना है कि ट्राइंगल की जब वैल्यू की बात हो तो पहले हमें तीनों फाइंड कर लेनी है, उसके बाद जो जो फाइंड करना है। पहले क्या फाइंड करना है? साइन ए। तो स्टूडेंट याद रखे, पहले साइन के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो साइन का फॉर्मूला क्या था? फर्स्ट फॉर्मूला अपोजिट अपॉन हाइपो। फिर से बता रहा हूँ, फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लेना। तो साइन का फॉर्मूला अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, फुल फॉर्म लिखते हैं अगर, तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस। तो चलो ए एंगल जो है ये रहा, तो उसकी अपोजिट साइड क्या आएगी? बीसी, और हाइपो तो हमारे पास एसी है ही, तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमें 7/25। दूसरा है कॉस ए, तो कॉस का फॉर्मूला क्या रहेगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपो। कॉस का फॉर्मूला रहेगा एडजेसेंट अपॉन हाइपो, पर एडजेसेंट ये फुल फॉर्म कैसे होगा? एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। तो यहाँ पे एंगल ए के लिए दो एडजेसेंट है, एक ए बी और एक ए सी, बट ए सी तो हाइपोटेनियस है, इसीलिए कौन रहेगा? ए बी, एंड हाइपोटेनियस जो है वो है ए सी, और इसकी वैल्यू 24/25। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है साइन सी। अगेन मैंने बताया आपको, पहले साइन का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन हाइपो, ओके, और सी, सी वाला एंगल ये रहा, तो सी की अपोजिट कौन आएगी? ए बी। सी की अपोजिट साइड कौन आएगी? ए बी, और हाइपोटेनियस जो है वो रहेगा हमारा ए सी। AB की वैल्यू 24 और इसकी वैल्यू 25, एंड द लास्ट वन इज cos C। तो cos का फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो C की एडजेसेंट साइड कौन है? दो है, CA और CB, बट CA तो हाइपो है, इसीलिए BC आएगा, और हाइपोटेनियस रहेगा हमारा AC। वैल्यू पुट करें तो ये आंसर हमें मिल जाएगा 7/25। सेकेंड सम, तो इसमें स्टूडेंट आप देखो कि ऑलरेडी हमें ट्राइंगल दिया हुआ है बट क्यू आर नहीं है, तो पहले तो क्यू आर के लिए हम पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करेंगे। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, और ये फाइंड कर रहे हैं, ये दोनों का माइनस हो जाएगा तो 25, और इसका रूट निकालेंगे 5। इन शॉर्ट हमें यहाँ पे QR कितना मिल गया? 5। स्टूडेंट मैंने पहले ही बताया आपको, साइड ट्राइंगल की बात हो तो हमें तीनों साइड हमारे पास होनी चाहिए जो मिल गई हमें। अभी जो हमें फाइंड करना है वो है tan P माइनस cot R। tan यानी क्या बताया? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो यहाँ पे अपोजिट है बट किसकी बात है? पी। तो पी के लिए अपोजिट कौन आएगा? क्यू आर, और पी के लिए एडजेसेंट आएगा पी क्यू। कॉट आर, तो आर के लिए एडजेसेंट है क्यू आर, और जो अपोजिट है आर के लिए वो है पी क्यू। अगर हम वैल्यू पुट करें तो क्यू आर हमारे पास है, क्यू आर हमने ढूंढ लिया 5/12 माइनस अगेन क्यू आर यानी 5, क्यू आर यानी 5 एंड पी क्यू यानी 12। तो यहाँ पे 5/12 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा 0।
नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सम थर्ड, बिल्कुल आगे के जैसे है बट इसमें हमें वैल्यू दी हुई है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, मतलब साइन का रेशियो दिया हुआ है 3/4। तो यहाँ पे हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करनी कि यहाँ पे हमें कोई ट्राइंगल का नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम नाम तो कोई भी रख सकते हैं बट कंडीशन क्या है, ये वाला जो एंगल है वो तो आना ही चाहिए और वो कभी 90 के प्लेस पर नहीं रखना है, बाकी के दो जगह पर लिख देना है। फिर से स्टूडेंट याद रखे कि ये जो एंगल है वो तो नाम अंदर आना ही चाहिए और उसको 90 के प्लेस पर लिखना है, तो बाकी की दो जगह पर हम कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कि अभी मैं लिख रहा हूँ डीसी। ओके, अभी साइन की बात करें तो साइन का फॉर्मूला था अपोजिट अपॉन हाइपो। ओके, तो अपोजिट बट किसकी अपोजिट, ए, तो ए की अपोजिट रहेगी बीसी और ए का जो हाइपोटेनियस है वो रहेगा एबी, सॉरी एसी, हाइपोटेनियस कितना है एसी। तो हम देखें तो यहाँ पे जो बीसी है वो हमें मिल गया 3 ऊपर ऊपर वाली वैल्यू और एसी है वो मिल गया 4, बट इट इज नॉट अ वैल्यू, ये तो रेशियो था, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 3x और ये 4x, तो बीसी 3x एंड ये 4x। पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करेंगे थर्ड साइड फाइंड करने के लिए, तो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, तो 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, ये दोनों का माइनस हो जाएगा तो वो हो जाएगा 7x स्क्वायर, और इसका अगर हम रूट निकालेंगे तो 7 का नहीं निकलेगा x, यानी कि रूट 7x हमें क्या मिल गया। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे हमने किसको सब्जेक्ट बनाया, ए बी स्क्वायर को, सॉरी हो बी सी की वैल्यू हमारे पास, यानी ये हमें जो मिला वो मिला ए बी, ए बी मिल गया रूट 7x। तो फाइंड क्या करना था, क्या कैलकुलेट करना था, कॉस ए एंड टेन ए, तो कॉस ए का फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो कॉस ए, ए का एडजेसेंट कौन है ए बी और हाइपो कौन है ए सी, तो ए बी इज इक्वल टू रूट 7 और ए सी इज इक्वल टू 4। दूसरा है टेन ए, तो टेन का फॉर्मूला याद रखना है ना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट किसकी अपोजिट ए, तो ए की अपोजिट में आएगा बी सी और एडजेसेंट में आएगा ए बी, तो बी सी यानी 3x अपॉन रूट 7x, x x कट हो जाएगा, ये बन जाएगा 3/√7। नेक्स्ट सम बिल्कुल उसके जैसा अगेन, तो यहाँ पे कॉट ए को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो 8/15 हो जाएगा, कॉट का फॉर्मूला रहेगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ओके, यहाँ पे भी हम राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं जिसमें इधर भी एंगल ए है जिसको हमें 90 के प्लेस पर नहीं रखना है, बाकी कहीं पे भी आप रखो, तो एडजेसेंट बट किसका एडजेसेंट ए, तो ए का एडजेसेंट रहेगा ए बी एंड अपोजिट किसका अपोजिट, ए का अपोजिट जो कि है बी सी, बट हमारे पास तो वैल्यू नहीं है, तो ये ए बी हमारा 8x और नीचे वाली वैल्यू बी सी की 15x, ए बी 8x बी सी 15x। अगर यहाँ पे हम पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करते हैं, ए बी का स्क्वायर यानी 225 का स्क्वायर और ये 64, तो 225 और 65 को प्लस करेंगे तो 289x स्क्वायर और इसका रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 17x, मतलब एसी यहाँ पे हमें मिल गया 17। तो स्टूडेंट्स अभी फाइंड क्या करना है हमें, साइन ए एंड सेक ए, साइन का तो पहला ही फॉर्मूला है हमारा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सॉरी हाइपो, तो अपोजिट ए का अपोजिट कौन है 15x और हाइपोटेनियस 17x, x x कट हो जाएगा तो हमारा रेशियो फिर से न्यूमेरिकली आ जाएगा, वेरिएबल निकल जाएगा। और दूसरा जो है वो है sec a, sec का फॉर्मूला रहता है हाइपो अपॉन एडजेसेंट, हाइपो अपॉन एडजेसेंट,
ओके तो ए ए का हाइपो कौन है 17x यानी 17 और ए का एडजेसेंट जो है वो है 8x यानी कि 8 तो 17 बाय 8 इज द वैल्यू ऑफ सेट ए. नाउ सी द नेक्स्ट सम फिफ्थ नंबर. चलो तो ये सब में क्या है हमें क्या दिया हुआ है sec theta दिया हुआ है 13 by 12 तो अगेन यहाँ पे हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे theta तो यहाँ पे हम 90 के प्लेस पर इसको नहीं लिखेंगे theta यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे नाम देख देते हैं हम ABC तो sec theta is equal to 13 by 12 okay तो sec का फॉर्मूला क्या है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट तो थीटा यानी सी थीटा हमने सी के प्लेस पर लिया हुआ है यानी सी की जो एडजेसेंट साइड है वो है बीसी सॉरी पहले हाइपो है वो है एसी एंड फिर एडजेसेंट साइड है वो है बीसी मतलब कि एसी जो है वो मिला हमें 13x और बीसी नीचे यानी कि 12x ये दोनों वैल्यू यहां पे रखेंगे हम 13x एंड 12x थर्ड साइड फाइंड करने के लिए पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करेंगे ac स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर ac स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169x स्क्वायर ab स्क्वायर पता नहीं है और bc स्क्वायर यानी 144x स्क्वायर ये दोनों का माइनस करेंगे तो 25 और इसका रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5x मतलब ए बी यहाँ पे मिल गया 5x तीनों साइड मिल गई यानी हमने गंगा नहा ली बाकी जो भी फाइंड करना है फाइंड कर सकते हैं तो कैलकुलेट द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें फाइंड करना है तो जैसे कि हम पहले ले रहे हैं साइन थीटा तो साइन थीटा का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन हाइपो थीटा की अपोजिट है ए बी और हाइपो है ए सी तो उस हिसाब से ये आएगा 12x अपॉन 13x तो 12/13 कॉस तो कॉस तो फिगर से तो हम लिख ही सकते हैं बट कॉस इज द ऑपोजिट हम दूसरी टेक्निक यहाँ पे यूज करते हैं कॉस इज द रेसिप्रोकल ऑफ sec हमें पता है कॉस इज द रेसिप्रोकल ऑफ sec तो sec की वैल्यू को रेसिप्रोकल की उल्टी कर देंगे तो 12/13 कॉस थीटा क्या आएगा 12/13 वेट स्टूडेंट यहाँ पे कुछ गलती हो रही है अपोजिट थीटा का जो अपोजिट है वो है ए बी और ए बी की वैल्यू यहाँ पे 5 है मैंने स्टूडेंट गलती से यहाँ पे 12 लिखी हुई है मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ इसको तो साइन की वैल्यू 5/13 हो गई कॉस थीटा 1/sec तो sec की रेसिप्रोकल हो गया 12/13 देन tan थीटा तो tan का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट तो थीटा की अपोजिट है ए बी और एडजेसेंट है बीसी यानी कि 5/12 फिर हमें ढूंढना है कॉट तो कॉट के लिए फिगर में देखने की जरूरत नहीं है ये तो टेन का रेसिप्रोकल तो टेन की वैल्यू को हम रेसिप्रोकल कर देंगे फिर सेक तो हमें दिया हुआ है एंड द लास्ट इज कॉसेक कॉसेक के लिए भी इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन साइन तो हमने पहले ही ढूंढ लिया 5/13 तो ये हो जाएगा 13/5 तो यहाँ पे हमने बाकी के पांचों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड कर लिए.